और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान से जुड़ी हुई खबर यह है कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। गौरी खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, गौरी खान के खिलाफ ये एफआईआर लखनऊ में दर्ज की गई है। उन पर 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। एफआईआर तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सीएमडी अनिल कुमार तुलसियानी, डायरेक्टर महेश तुलसियानी और ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान पर दर्ज हुई है। दरअसल मुंबई के एक शख्स का दावा है कि उन्होंने तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड लखनऊ में एक फ्लैट खरीदा था और इसकी कीमत करोड़ों में थी और वो अब तक अपनी कंपनी को 86 लाख रुपए दे चुका है, फिर भी उसे फ्लैट नहीं मिला है। ऐसे में एक शख्स ने गौरी खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि वो इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।